भारतीय किसान संघ ने आज करनाल में इकट्ठे होकर विशाल रोष प्रदर्शन किया, जिसमें किसानों ने पूरे प्रदेश में गन्ने की कीमतों को बढ़ाने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि गन्ने की उपज के लिए अब लागत बहुत ज्यादा आ रही है, परंतु सरकार गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ा रही है, जिससे किसान का शोषण हो रहा है। किसान नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनके आंदोलन की शुरुआत है, अगर सरकार समय रहते ही उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो आंदोलन को पूरे प्रदेश स्तर पर अन्य जिलों में भी किया जाएगा। इस मौके पर पूरे प्रदेश से गन्ना किसान एवं हरियाणा किसान संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन है किसानों का, क्या मांगा? भारतीय किसान संघ पिछले काफी दिनों से गन्ने के भाव के बारे में सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हर मंच में जाके हमने बात रखी। हमने मंच जिला जो MLA हैं उनको ज्ञापन सौंपा, हमने कैबिनेट मिनिस्टर कृषि मंत्री श्री JP दलाल जी से भी मुलाकात करके बात कही कि पिछले 2 वर्षों में गन्ने की खेती में बड़ी मात्रा में उसकी कॉस्ट में बड़ा इजाफा हुआ है, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे वो खाद का हो, चाहे वो उसकी ढुलाई का हो, ये हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो पिछले काफ़ी समय से जब सरकार इस बात को नहीं सुन रही है, तो आज हमने यहाँ पर जितने भी हरियाणा के अंदर शुगर मिल हैं उनमें से लगभग 1-2 मिल के नहीं आ जा पाए, लगभग 300-400 की संख्या में और प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, और आज एक रोष मार्च निकालेंगे और गन्ने की होड़ी चलाने का आज हम काम करेंगे। अगर सरकार या अगर बातचीत के मोड में आकर के किसान को और उसकी फसल का, उसकी मेहनत का उसको लाभ देने की बात करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अगली रणनीति बनाएंगे। तो भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है और एक तरह से शुरुआत है। JBD banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।